एवरीवन, मैं तारा कुशवाहा इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है लौकी का रायता। लौकी ठंडी होती है और गर्मी के मौसम में लौकी का रायता तो एक नंबर का लगता है खाने में। और अगर आज की रेसिपी फ्रेंड्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लौकी का रायता बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 बाउल लौकी, इसे मैंने कद्दूकस करके बॉइल कर लिया है, दही, सादा नमक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप हरी मिर्च की जगह पे लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, चीनी, जीरा पाउडर, मैंने जीरा को भूंज कर पीस लिया है, काला नमक। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने लिया है मीडियम साइज का बाउल और अब इसमें डालेंगे दही, छोटे चम्मच से 1 चम्मच चीनी, रायते में मीठी दही का ही इस्तेमाल कीजिएगा और अगर दही थोड़ी सी खट्टी हो तो उसमें चीनी का इस्तेमाल जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि चीनी मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। मिक्स हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे लौकी जो हमने कद्दूकस करके बॉइल किया था, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, ये मैंने सादा नमक डाला है, काला नमक, जीरा पाउडर, हरी मिर्च। मिर्च का इस्तेमाल रायते में कम कीजिए क्योंकि रायते में मिर्च का इस्तेमाल कम ही अच्छा लगता है, हल्का तीखा ही रायता अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा तीखा रायता अच्छा नहीं लगता है। ये तो मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं। आपके पास पुदीना की पत्तियां हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। आप भी इस प्रोसेस से रायता बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और आपका अनुभव कैसा रहा मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए।